स्टूडेंट क्वेश्चन फिफ्थ है, ए बी और ये डी ई दो पैरेलल लाइन है और ये इन्हें कट करते हुए जा रही है, तो इनके लिए ट्रांसवर्सल होगी। ये भी इनके लिए एक तरह से ट्रांसवर्सल अगर मैं इनको एक्सटेंड करके बनाऊं, और अगर मैं इन दो लाइनों को अगर पैरेलल मानता हूँ बी सी और ई एफ को, तो फिर ये और ये लाइन ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। ये एंगल नोन है, हमें ये और ये वाला एंगल निकालना है। ओके, अब हमें इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइनों को पैरेलल लेके चलता हूँ और इनको एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में मतलब बन रहे हैं एंगल, राइट साइड में, ये साइड राइट है और ये लेफ्ट है, और लेकिन एक छोड़कर एक है। देखो ये वाला एंगल नहीं लिया गया है, ये एंगल नहीं कंसीडर किया है, इसके बाद ये वाला पूछा है, तो ये और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 70। सो मैंने विथ रीज़न लिख दिया है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण क्यों हैं। हम इन दो लाइन को पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल है, इस एंगल इस वाली लाइन के लिए हम निकाल रहे हैं वाला एंगल, तो इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब हमें डी ई एफ की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, ये वाली दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं बी सी और ई एफ, और ये एक ट्रांसवर्सल मान लेते हैं। तो देखो ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बन रहे हैं एंगल, ये नोन है अभी निकाला था हमने, और ये एक एंगल नहीं कंसीडर किया जा रहा है, मतलब ये एंगल को स्किप कर दिया जा रहा है, और फिर ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, संगत हैं, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 70 डिग्री। सो ये चीज़ मैंने लिख दी है बेटा, बी सी और ई एफ पैरेलल लाइन मानी है और डी को ट्रांसवर्सल, तो डी ई एफ और डी जी सी 70 डिग्री होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण है।